हिंदी व्याकरण क्लास में आपका स्वागत है। आज का शीर्षक है क्रिया विशेषण। क्रिया किसी काम के करने या होने को कहा जाता है और विशेषण है उसकी विशेषता बताना। तो क्रिया विशेषण शब्द की परिभाषा है, जो शब्द क्रिया के होने के स्थान, काम, रीति या परिमाण का बोध कराते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। तो इस परिभाषा में बताया गया है, जो शब्द क्रिया के होने के स्थान को बताता है, काल को बताता है, काल का अर्थ होता है समय, रीति को बताता है कि क्रिया किस तरह हो रही है और परिमाण को बताता है कि कितनी मात्रा में हो रही है, तो यह है क्रिया विशेषण की परिभाषा। उदाहरण है, किरण तेज दौड़ता है। इस वाक्य में यह दौड़ना क्रिया उसकी विशेषता बता रहा है तेज। राजू बाहर खड़ा है। इस वाक्य में खड़ा होना क्रिया है उसकी विशेषता बता रहा है बाहर। अशोक मधुर गाता है। इस वाक्य में गाना है क्रिया उसकी विशेषता बता रहा है मधुर।
कृतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। आज का पाठ यही समाप्त करते हैं।